मध्य प्रदेश में SC ST एक्ट संशोधन के खिलाफ विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में लोगों की ओर से काले झंडे दिखाकर नेताओं का विरोध करने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में श्योपुर में सवर्ण समाज के लोगों ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और BJP अध्यक्ष अमित शाह के 6 अक्टूबर को प्रस्तावित दौरे से पहले मशाल जुलूस निकाला। विशाल मशाल जुलूस के दौरान पूरा शहर शिवराज तेरा काल है, हम माई के लाल है के नारे से गूंज उठा। जुलूस के बाद लोगों ने ऐलान किया है कि यहां किसी भी नेता को घुसने नहीं दिया जाएगा। साथ ही CM शिवराज सिंह और राहुल गांधी के संभावित दौरे के दौरान काले झंडे दिखाए जाएंगे। पिछड़ा वर्ग सावन मोर्चा द्वारा आज शिवराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज मशाल जुलूस निकाला गया और भारतीय जनता पार्टी का जो भी मुख्यमंत्री कार्यकर्ता मंत्री अरुण मिश्रा जो भी आएगा उसका हम काले झंडा दिखा के विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कोई भी झंडा किसी भी प्रतिष्ठान पे या घरों पे हम लगाने नहीं देंगे और अगर किसी ने लगाया जबरदस्ती तो उसका हम प्रजोर विरोध करेंगे। हमारे यहाँ अभी आने वाले समय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आने वाले हैं, हम पूरा पिछड़ा वर्ग सामान मोर्चा मिलकर उनका विरोध करेंगे और काले झंडे दिखाएंगे। राहुल गांधी भी अगर आते हैं तो उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा और शहर में उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। देश की दोनों बड़ी राजनीतिक दलों BJP और कांग्रेस अध्यक्ष के संभावित दौरों से पहले लोगों का ये ऐलान मुसीबत पैदा करने वाला है। अब देखना होगा कि ये ऐलान प्रशासन इन लोगों को किस तरह से नेताओं को काले झंडे दिखाने से रोक पाता है। श्योपुर से खेमराज दुबे की रिपोर्ट।